बिहार में 1,88,000 से अधिक शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है। इनमें 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं, वहीं 23,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध है। फर्जी प्रमाण पत्र वालों पर कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह खुलासा हुआ है। संदिग्ध प्रमाण पत्रों की दोबारा से जाँच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जिन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई उन्हें एक और मौका भी मिलेगा। आपको बता दें तो यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 1,88,818 शिक्षकों में से 46 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। 23,801 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध है। इन सभी मामलों की जांच की जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्र वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं उनकी दोबारा जांच भी कराई जाएगी। अगर ये प्रमाण पत्र भी फर्जी निकले तो संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन 46 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं उनकी जांच राज्य मुख्यालय स्तर पर गठित एक कमेटी करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट संबंधित निदेशालय को देगी, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला भी लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह बताया है कि जिन 23,801 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सॉफ्टवेयर पर अपने ही सभी प्रमाण पत्र अपलोड कर मौका भी दिया जाएगा। हालांकि पहले ये अपलोड किए गए प्रमाण पत्र भी सॉफ्टवेयर पर मौजूद रहेंगे ताकि दोनों की तुलना की जा सके। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पहली सक्षमता परीक्षा में पास हुए 1,88,818 शिक्षकों की काउंसलिंग, उपस्थिति हुए 1,88,452 शिक्षकों में से भी केवल 1,73,527 शिक्षकों की ही काउंसलिंग हो पाई। शेष 10,925 शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी। इनमें 10,219 शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन हो गया था लेकिन आधार कार्ड नहीं था। तो देखिए 311 शिक्षकों का बायोमेट्रिक और आधार कार्ड दोनों सत्यापित हो गया था लेकिन उनके पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण ओटीपी नहीं जा सका। 124 ऐसे शिक्षक भी थे जिनके बायोमेट्रिक और आधार कार्ड तो सत्यापित हो गया था लेकिन प्रमाण पत्रों का सत्यापन लंबित था। जिन 1,73,527 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई थी उनमें से भी केवल 1,39,634 शिक्षकों की काउंसलिंग ही सफल रही। शेष 33,883 शिक्षकों की काउंसलिंग सफल नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि जिन शिक्षकों की काउंसलिंग किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई है उन्हें फिर से मौका भी दिया जाएगा। इसमें वे 3,366 शिक्षक भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज, पटना।